वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। आज की वीडियो का टाइटल है भारत के जारी नए मैप से चाइना बौखलाया। क्या बात है। तो मेरे को ये लग रहा है कि इसमें ना दो G20 सबमिट में जो नक्शा जारी किया गया था, जो हमारा भारत मंडप, उसमें जो पूरा नक्शा बताया गया है अखंड भारत का, जो हमारा ओल्ड मतलब पुराना जो भारत था और चाणक्य के टाइम पे उस समय का जो अखंड भारत था, उस समय का मेरे को लग रहा है वो जो नक्शा बताया गया है उससे चाइना को कोई ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम बोखला है क्यों यार, उन लोगों ने भी नक्शा तो जारी किया, उनमें से भारत का जो बहुत सारा जो एरिया है उसने उसके नक्शे में दिखाया है। तो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप डालकर बवाल मचा दिया है। तो मैं I'm sorry, I just don't understand। उन्होंने वो मैप निकाला, वो भी इंडिया के साथ उनकी नेविगेशन है, वो टोटली वो जो काम कर रहा है वो अमेरिका के साथ कर रहा है। सेना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा। मैंने देखा है वो मैप। चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है। Today we have a very very solid answer from India. So do you know this man? So his name is Manoj Narvane. अभी खबर ये चल रही है वो एयरफील्ड बना रहे हैं, फाइटर एयरफील्ड बना रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, अनाउंस कर चुके हैं कि, और दूसरे पाकिस्तान साइड पे कभी कोई प्रोटेस्ट। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। इंडिया का जो ऊपर जाने का ना, उधर देखे ना कि वो डेमोक्रेसी है, आज तक कोई फौजी हुक्मरान नहीं आया। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा, वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा। कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की, भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते, इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने ट्विटर पर चीन का एक नया नक्शा साझा कर दिया है जिस पर चीन बौखला गया है। उन्होंने नक्शा शेयर करते हुए कहा कि आखिरकार किसी को चीन का नक्शा मिल गया है जैसा कि यह वास्तव में है। इस बहुरंगी मानचित्र में चीन ने तिब्बत समेत कई क्षेत्रों को अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों के रूप में सीमांकित कर अलग करके दिखाया गया है। उन्होंने लिखा कि चीन का यह असली मैप है, चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्शे में ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, चुनान जैसे अन्य चीन की सीमा से लगे हुए देश को चीन के कब्जे के तौर पर दिखाया गया है। उन्होंने ऐसे समय यह नक्शा शेयर किया जब चीन के नए नक्शे को लेकर विवाद बचा हुआ है। चीन ने 28 अगस्त को देश का नया मैप जारी किया था और उसमें कई क्षेत्रों को विवादित दिखाया गया है। अब भारत द्वारा जारी किए गए इस नए मैप से चीन को मिर्ची लगी हुई है। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा। मैंने देखा है वो मैप। पहली बात यह की चाइना ने बेवकूफी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीजों से। लेकिन मैंने एक चीज नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा, वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा, गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल देखिए आप पंचोली जी,
भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की, भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते, राहुल गांधी एंड पार्टी जो पूरे ये ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते, इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था, अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज ट्रेन पहुंच रही है चाइना के बॉर्डर तक, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी, यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत, तो उन्होंने कहा है निशान, तो क्या सर कम्बल में लपेट के मारा है, निशान नहीं है। ये वही वाला हुआ है, तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, देखिए जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं आपको, BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको पाकिस्तान में CPAC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ हकीकत भी है कि ये एक डेट ट्रैप है जिसमें वो भारी कर्जे देकर भारी इंटरेस्ट के ऊपर मुल्कों को ट्रैप करने का प्लान है चाइना का, जिसकी एक मिसाल श्रीलंका के सामने नजर आती है। दूसरा उनको सेटबैक ये है कि इस वक्त लोग उनसे बेजार नजर आ रहे हैं BRI से, वो इस तरीके से कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम BRI का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो उसको काउंटर किया गया है। और जो नया शिपिंग और ट्रेन का जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में बताना चाहूंगा, उसके तीन जो मेजर सपोर्टर हैं उस प्रोजेक्ट के, वो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इसराइल है, इसमें दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं जिस तरह भारत है उसमें। अब उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये तीन ममालिक क्या हैं, जो बड़े की प्लेयर्स हैं वो कौन है। की प्लेयर्स में से जब सऊदी अरेबिया आगे आता है, दे आर ऑयल रिच कंट्री, और इस वक्त जो यूक्रेन की वार का सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बनाया है रशिया एम्बार्गो की वजह से। अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई थी इसके रशियन ऑयल के बारे में, उसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और उनकी जो फ्यूचर में इकॉनमी है 8.7 जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि उस पे वो तरक्की आगे ग्रो करेंगे अपने ऑयल रिच होने की वजह से। तो एक तो ऑयल रिच कंट्री है, कैश लोडेड कंट्री है, और तीसरी बात इजराइल टेक्नोलॉजी है, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में IT के अंदर जो भी स्टार्टअप शुरू होता है वो इजराइल से शुरू होता है। दूसरा अमेरिका का उसमें होना, अमेरिका के आशीर्वाद होना, भारत का उसमें होना, दो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है और भारत की IT सेवी यूथ है, और उनकी पढ़ी लिखी यूथ भारत की एक स्ट्रेंथ है। अगर ये सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी तो चाइना इसको काउंटर किस तरह करेगा, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त चाइना के लिए। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, अब इसको डिलीवर किस तरह करते हैं, इसको शुरू किस तरह करते हैं, जब तक ये शुरू नहीं करेंगे अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इट्स अ वेरी साजी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं और पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तो अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? उसका मुस्तकबिल आपको पाकिस्तान में पहले ही पता होना चाहिए कि उसका मुस्तकबिल क्या है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तो आपने $26 बिलियन उनका खा के तो पिज्जे खरीद लिए। तो दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष, तो चाइना को उसी के ही उसमें जवाब आंसर दे दिया है, और खासकर जो राहुल जी और जो पूरी विपक्ष पार्टियां जो थी जो इकट्ठा हुई है, और मतलब सारे जो सर ने बताया ना, ऑल चोर ससेरे भाई, उन लोगों ने बोला कि मोदी जी चाइना को जवाब क्यों नहीं देते दे। तो भाई जैसा देश होता है जवाब भी उसको वैसा ही दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान को जवाब देते वो पूरी दुनिया जानती है, तो पाकिस्तान अलग है,
चाइना कुछ अलग है, तो उसको भी उसी की भाषा में ही जवाब दिया गया। चाइना बहुत मतलब उसके जितने भी पड़ोसी मुल्क है ना, उसकी जमीन जो है उसको हड़प करने में नंबर वन है। पूरी पूरे ताइवान की बैंड बजाई हुई, ताइवान के साथ भी वो बैंड बजा, बट ताइवान का ना रिलेशन कुछ अलग है, क्योंकि वो पहले कुछ फ्रेंड थे, फिर उनमें से उन लोगों ने अलग अलग मतलब आर्मी बनाई, उसकी कुछ हिस्ट्री अलग है। आपको उसका वीडियो जो पूरा वीडियो देखना है तो खान सर सीएस सेंटर जो चैनल है यूट्यूब, उसमें आपको उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा पूरी डिटेल्स में। लेकिन चाइना को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि अब उसको मतलब भारत को तंग करने का उसका उसको इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी जी ने उसकी जितनी भी कंपनियां थी वो इंडिया में ले ली, उसका जो सीपैक चल रहा था पाकिस्तान में, कॉरिडोर जो बना रहे थे वो पूरा, तो उसको उसका भी मतलब बैंड बजा के रख दिया बलूचिस्तान आर्मी ने, मतलब उसमें नाम मोदी जी का लिया जा रहा है, कांड कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले। तो क्योंकि बलूचिस्तान के जो पीएम है इंडिया में बहुत बार आए और मोदी जी के साथ उसका अच्छा रिलेशन रहा है, जिस वजह से मोदी जी का नाम आ रहा है। लेकिन देखो भाई, कोई भी कंट्री हो, इंडिया को उंगली मत करना, ये जो उंगली आप करोगे तो उंगली काट दी जाएगी, क्योंकि अब जो सरकार है ना वो कभी किसी का नहीं सुनती, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाम का सुनती है, किसी और का नहीं सुनती है। आपने रशिया वाला जो युद्ध हुआ था यूक्रेन के साथ, उसके बाद जब फ्यूल में जब प्राइस बढ़ी थी तो सारे कंट्री ने उसके साथ बैंड कर दिया था मतलब ट्रेड, तो इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया ने यही आंसर दिया भाई, मेरी आवाम के लिए जो ठीक रहेगा ना वही हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, और जो नक्शा बताया गया है ना उससे ट्विटर के अंदर पूरा भवंडर मचा हुआ है। अब एक बार हमारा जो आर्मी शिप है उसके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, आपको पूरा नक्शा मिल जाएगा, और उसकी जो रीट्वीट और कमेंट देखना बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। एक बार जरूर से उसके ट्विटर पे विजिट करना। तो वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपकी क्या राय है, और खास करके मैप देखने के बाद, मैप तो इसमें पूरा नहीं दिखाया गया है, वो आपको ट्विटर पे मिलेगा, बट आप एक बार वहां पर जाकर जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ, खास करके आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।